छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार प्रसार को लेकर इन दिनों नेता प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कृष्णदेव साय आज बलरामपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सरगुजा लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वाड्रफ नगर के स्कूल मैदान में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस को कुछ नहीं सूझ रहा है तो आरक्षण और महतारी बंधन को लेकर झूठ प्रचारित करने में लगी हुई है। कांग्रेस कहती है कि केंद्र में मोदी सरकार फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को अब तक राशि मिलती रहेगी जब तक भाजपा की सरकार है, बल्कि अब हर महीने के पहले सप्ताह में ही महतारी वंदन योजना की राशि खातों तक पहुंच जाएगी। जीवन ला अभी कुछ दिन पहले हमन तुमन सब जन मिल करके हमर छत्तीसगढ़ कर बागडोर सौंपे हन। ऐसे हमर सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमर मंत्री कृषि मंत्री भैया रामविचार नेताम जी, यहाँ के विधायक शकुंतला पोरते जी, सामरी विधायक उदेश्वरी पैंकरा जी, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, अपन बलरामपुर जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल जी, सूरजपुर जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, आदरणीय कमल भान सिंह जी, और सब जन कर नाम ले से ज्यादा लंबा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी समय कम है, इसलिए सम्माननीय मंच और आज इस जगह उपस्थित ये प्रतापपुर क्षेत्र के सब हमर देवतुल्य कार्यकर्ता बन, इस जगह उपस्थित हमर पत्रकार बंधु बन, अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए रहे और विधानसभा के चुनाव में सरगुजा संभाग से 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और केंद्रित नेतृत्व होकर भरपूर पुरस्कार हमार छत्तीसगढ़ वासी मल्ला देहीस, जिमें हमार आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में हमार तुम्हार सामने अभी बैठे ने विष्णुदेव साय जी, कृषि मंत्री के रूप में आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, महिला बाल विकास मंत्री के रूप में लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी सामर संभाग से 4 मंत्री मिलीन हैं। हमर मतदाता मन की वो ताकत है कि अगर हमर मतदाता हमर कार्यकर्ता अगर चाहे तो राजा ला रंग भी बना सकते हैं, रंग ला राजा भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अंबिकापुर ला देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री बने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हो, आपन बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, उकर लिए बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद, आपन के मैं आभार व्यक्त करत हूँ और मोर तरफ से भी आपन के हृदय से अभिनंदन, हृदय से आप मन के स्वागत। और एक तो पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी में विश्वास करके आपन भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिला के सरकार में बैठाओ और सरगुजा संभाग से पूरा कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दो, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई, ऐसा देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मतदाता भाई बहनी वाला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते। बंधुओं अभी आप मन हमार मंत्री जी ला भी सुने हा, हमार प्रत्याशी ला भी सुने हा, हमार विधायक जी ला भी सुने हा। मैं तो ये कहे बर आए हूँ कि ये जो लोकसभा के चुनाव है ये चुनाव कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है,
बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। आप सब सहमत है ना? सहमत है? चले धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। एक गरीब के बेटा है और जो 140 करोड़ भारतवासी मन अपन परिवार मानते हैं और ओमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं और आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं ली नहीं। आज गांव गरीब किसान मजदूर सबके चिंता करने वाला, आज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए काम करने वाला, ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज पूरा दुनिया में भारत के डंका बाजत है मोदी जी के कारण। 140 करोड़ भारतवासी मन के आज मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ी थे। आज 2047 तक हमर देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाला 5 साल में आर्थिक रूप से तीसरा बड़े ताकत के रूप में हमारे देश ला खड़ा करना है और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है और हमारे ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से हमारे पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी हैं। आज आप सब वाला जाना था, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आने वाला 7 मई के आप मल्ला अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना है और आप मन के वो कमल छाप में बटन दबा के आशीर्वाद मिली तो सीधा सीधा वो मोदी जी तक पहुंची। ये आप मन से आज मैं आग्रह करे बर आए हूं।